आपको अपनी प्रज्ञा पर इतना भी भरोसा नहीं है? आपको वाकई लगता है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कर सकती हूँ? अगर मैं वाकई चाहती कि वो जेल के अंदर है, तो मैं क्यों रात भर यहाँ उनका इंतजार करती? क्यों पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर लड़ती कि उन पर हाथ नहीं उठाए वो? क्यों प्रार्थना करती कि वो बस सही सलामत रिहा हो जाए? क्यों बीच रात में पूरब को फोन करती, लॉयर से मिलती? क्यों करती ये सब? अगर मैं यहाँ गवाही देकर उन्हें छुड़ा नहीं आई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर जाती, मैंने बाहर कॉर्पोरेटर को इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना। मैं भी देखता हूँ कौन स्टेटमेंट देता है। कौन देगा स्टेटमेंट? हाँ, उसकी अपनी वाइफ देगी ना सर। सारी रात पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रही और यहाँ भी आ सकती है कभी भी। तो एक काम कर यादव, उसको बाहर निकलने दे। बाहर निकलेगा ना तो भीड़ में अपने आदमियों को मिला देना। इन सबको इंस्ट्रक्शन दे देना कि उसकी टांग तोड़ दे। इतना मारे उसको, इतना मारे कि भूल जाए सब कुछ। जब तक भीड़ कम होगी उसकी तो हालत खराब हो चुकी होगी। यह आइडिया ठीक है सर। किसी को शक भी नहीं होगा और कोई अरेस्ट भी नहीं होगा। न्यूज छपेगी कि नाराज फैंस ने किया सुपरस्टार अभी पर हमला। मैं जानती हूँ कि शायद उन्हें बचाने का कोई और तरीका भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जो चीज मेरे दिमाग में पहले आई मैंने वही बोल दी। मैंने जो कुछ भी किया उसमें समझदारी ना होना सही, लेकिन माँ वफादारी थी। मैं उन्हें, लेकिन बेटा तूने जो भी कुछ किया ना, उसे तो उसको यही लगेगा ना कि तू उसके खिलाफ होगी। इतना प्यार करता है वो तुझसे, अब तो नफरत करने लगेगा ना। लेकिन इस वक्त मैं अपनी फिक्र नहीं कर सकती माँ। मुझे मुझे उनके बारे में सोचना होगा। मेरे परिवार पर जो मुसीबत आई उन्होंने अपने ऊपर ले ली। मैं उन पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। कल उन्होंने अपना फर्ज निभाया, आज मैंने। तुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा ना। तेरे परिवार के कारण वो जेल गया, तूने उसे इस मुसीबत से तो बचा ली, लेकिन उसे जेल से निकाल कर उसे बड़ी मुसीबत से भी तो बचाना पड़ेगा ना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से वो जेल में, और मैं ही उन्हें यहां से बाहर निकालूंगी।